कि ये जो धर्म स्थल है, जाके बाकी के धर्म स्थल हैं, चाहे गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गई, गिरजाघर हो गए, वहां पे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करते। जब ये इतने ही धार्मिक बनते हैं, जो इतने ही ये लोग बनते हैं ट्रस्टी लोग, तो इनको इतना भी नहीं पता है कि एक महिला को कोई आदमी धक्का नहीं मार सकता, उसको टच नहीं कर सकता। मैंने किसी लड़के को ऐसे धक्का मारा है तो मैं उसका भी बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों मारा है। जब उन्होंने मुझे गोदी में पकड़ के ऐसा गेट से बाहर निकाला था, वो सब कुछ आपको सीसीटीवी फुटेज में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की बात, जी मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों अर्चना गौतम जी, हाँ, जिनका वीडियो लगातार द्रौपदी बालाजी का वायरल हो रहा है, उनको मंदिर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जी हाँ, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरी लड़ाई किसी धर्म से या जाति से नहीं है, मेरी लड़ाई है जो धर्म स्थल पर दलाल बैठे थे हैं ट्रस्टी के नाम पर और जो जनता से एंट्री के नाम पर पैसा चार्ज करते हैं, मेरी लड़ाई उन लोगों से है, भगवान सभी के हैं। जी हाँ, यह अर्चना गौतम ने कहा है। और अर्चना गौतम ने जो उनके साथ जो घटना बीती है वह सब बताई है, सुने आप अर्चना गौतम को। नमस्ते, जय भीम, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मेरा भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। जैसे कि किसी ने मुझे ये बोला कि मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों गई थी, किसी ने बोला था मंदिर में जाने के लिए, तो उनका जवाब ये है कि अगर मुझे मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं थी तो फिर हमारे भारत में इतने ज़्यादा मंदिर क्यों हैं। ऑब्वियसली कि अगर मंदिर है तो हमारी श्रद्धा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी श्रद्धा है और मैं भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ, फिर चाहे वो मेरे घर का मंदिर हो, चाहे वो बाहर का मंदिर हो, चाहे वो अन्य किसी तीर्थ का मंदिर हो, तो मैं भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ। अभी बात ये है कि वो जो वीडियो है वो कहाँ का है और क्यों ऐसा उन लोगों ने मेरे साथ बिहेव किया है, और कुछ लोगों ने बहुत गलत कमेंट भी किए हैं मुझे कि जैसे कि किसी ने मुझे बोला है कि एक्टिंग कर रही है, तो मैं उन लोगों का भी जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए ये क्या मामला था। पहले आप इस चीज को समझिए। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गई थी और प्रॉपर तरीके से गई थी, जो उनके रूल्स होते हैं कि यहाँ से लेटर लिखवा के, यहाँ से टिकट लेके, ये मैं सारा चीजें करके गई थी। वहां पे क्या हुआ, उन लोगों ने टाइमिंग का बड़ा वो लिखा था, जबकि मेरे टिकट पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपको 12 बजे से पहले दर्शन होंगे, उसके बाद आपको दर्शन नहीं होंगे, ये कहीं भी मेंशन नहीं था। तो जो ये आप देख रहे हो वीडियो, ये जो बातचीत चल रही है, जो भी हो रहा है, ये उसी चीज का है। मैंने इनको बोला कि मैं यूपी से आई हूँ, मतलब मैं मेरठ से आई हूँ, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और मेरे साथ 5 लोग थे, तो हम लोग इतना दूर से आए हैं, प्लीज आप हमें दर्शन करने की अनुमति दे दीजिए। सो हमें पता नहीं था टाइमिंग का, तो उन लोगों ने बहुत लाउडली और बहुत बदतमीज तरीके से उन लोगों ने बात की मुझसे कि चलो चलो निकालो इसको यहाँ से। और मैंने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आधा घंटा ही, हमें कोई टाइमिंग का अंदाजा नहीं था। तो उन्होंने एक बात बोली, तो ठीक है आप एक काम करिए, आप 10,500 रुपए हमें दे दीजिए। तो मैंने बोला कि हम लोग 5 लोग हैं, तो कह कोई बात नहीं, 52,000 आप दे दीजिए, जो भी 10,500 के हिसाब से जो भी होता है, हम आपको परमिशन दे देंगे दर्शन करने की। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये तिरुपति बालाजी का जो पावन तीर्थ स्थल है, इन लोगों ने, यानी इनको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, इन दलालों ने, जो ये टीटीडी के जो ऑफिस ये कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इस चीज को मतलब अपवित्र कर चुके हैं ये लोग, जो हम जनता से पैसे मांग रहे हैं। और ये भी बोला गया कि आप तो इतने बड़े लोग हो, आपके लिए 50,000 रुपए क्या हुआ, मतलब क्या बात है। तो ये बहुत गलत है, एक आम व्यक्ति तो दर्शन कर ही नहीं सकता। अगर कोई यूपी से आना चाहता है तो उसको तो कोई रूल्स ही नहीं पता कि 12 बजे से पहले दर्शन होंगे, जबकि ना गूगल पे मेंशन है, ना कहीं भी मेंशन है। और आपको ये जो टिकट देते हैं वो 300 रुपए में देते हैं और 500 रुपए में देते हैं, और एक वीवीआईपी दर्शन है 10,500 में देते हैं।
हमारे जैसे कि मैं देखो सभी धर्म में आस्था रखती हूँ, तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, तो मैं जब गुरुद्वारे जाती हूँ तो वहां पे कोई पर्ची नहीं कटती कि 50 रुपए की पर्ची कट रही है या 100 रुपए की पर्ची कट रही है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 रुपए की ये लोग पर्ची काट रहे हैं दर्शन की, उसके अलावा 500 रुपए की भी काट रहे हैं, उसके अलावा भी ये लोग नीचे जो पार्किंग पार्किंग का एरिया उसमें भी ये लोग 50 से 100 रुपए चार्ज करते हैं, तो और उसके अलावा मतलब ये लोग इतना हद तक गिर चुके हैं, ये जो ट्रस्ट कंपनी है जो इस तिरुपति बालाजी को जो चला रही है, जो ये दलाल लोग बैठे हैं धर्म के नाम पे कमाने वाले, ये लोग इतना गिर गए कि जो भगवान का प्रसाद होता है आप लोगों को भी पता है उसको भी ये बेचते हैं, यानी एक लड्डू आप इतना छोटा लड्डू लोगे तो आपको वो मिलेगा 50 रुपए का, और अगर आप इतना बड़ा लड्डू लोगे तो वो आपको मिलेगा 200 रुपए का। तो मतलब ये इतना हद तक गिर गए हैं कि इन्होंने भगवान के प्रसाद को भी बेच डाला, भगवान को भी बेच डाला और प्रसाद को भी बेच डाला। तो मेरी जो लड़ाई है, जो मेरी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मंदिर से नहीं है या किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने की नहीं है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो ये ट्रस्टी बैठे हुए हैं मंदिर में। अगर आप ट्रस्टी बोलते हो तो ट्रस्टी का काम क्या होता है कि आप खुद दान करो और जो जनता आती है वो खुद से दान करे, यानी अपने संतुष्टि के लिए वो दान करे, आप किसी को फोर्स करके या आप किसी को बोल के आप किसी से पैसा ऐंठ नहीं सकते, और ये आप गलत कर रहे हैं। और रही बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ किसी ने उनकी तरफ से एक वीडियो उन्होंने डाली है जिसमें मैंने किसी लड़के को ऐसे धक्का मारा है, तो मैं उसका भी बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों मारा है। जब उन्होंने मुझे गोदी में पकड़ के ऐसा गेट से बाहर निकाला था, वो सब कुछ आपको सीसीटीवी फुटेज में मिलेगा। मैं बता चुकी हूँ 31 अगस्त दोपहर के 2:32 पे आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, तिरुपति बालाजी पे पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ, उन लोगों को पता है, वहां जाके चेक करिए। अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो गोदी में उठा के मुझे बाहर पटकते हैं, और मेरे जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे यहाँ पे इस तरह से मुझे धक्का मारते हैं जिससे मेरा दुपट्टा बिल्कुल गिर जाता और मैं भी एक तरह से गिर जाती हूँ, वो सब सीसीटीवी फुटेज में। तो जब ये इतने ही धार्मिक बनते हैं, जो इतने ही ये लोग बनते हैं ट्रस्टी लोग, तो इनको इतना भी नहीं पता है कि एक महिला को कोई आदमी धक्का नहीं मार सकता, उसको टच नहीं कर सकता, उसको बिना उसके परमिशन के ऐसे उठा नहीं सकता। तो इस चीज पे लड़ाई थी कि मैं अपने लिए लड़ रही हूं कि कोई अगर मैं अपना बचाव ना करूं, मैं क्या चिल्लाऊं नहीं, मैं अपने बचाव में चिल्ला भी नहीं सकती, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? तो भाई सुनो, मैं वैसी नहीं हूं, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। जैसे कि प्रियंका दीदी का स्लोगन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ, मैं किसी बेफालतू के भी नहीं लड़ रही हूँ। और कुछ हाँ, मेरे समाज ने बोला कि दलित लड़की को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो मैं अपने सारे समाज से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये बात नहीं थी, मुझसे कोई पूछा नहीं गया, तो मैं दलित कार्ड प्ले नहीं करती, जो सच है वो बताती हूँ और आगे भी मैं सच के साथ दूंगी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो धर्म स्थल है, जाकि बाकी के धर्म स्थल हैं, चाहे गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गई, गिरजाघर हो गए, वहां पे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करते, बट ऐसे बड़े बड़े धर्म स्थल पे जो भी अमाउंट चार्ज होता है, चाहे वो 300 रुपए होता है, चाहे वो 350 होता है, 500 होता है, चाहे 10,500 होता है, चाहे 50,000 होता है, इन सब चीज को केंद्र सरकार को बंद कराना चाहिए और ओपन दर्शन होने चाहिए जैसे कि बाकी जगह पे होते हैं। बस मेरी जो लड़ाई है यहाँ पे बैठे ट्रस्टी जो लोग हैं उन लोगों से, जो एक वीवीआईपी के नाम पे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, मेरी लड़ाई उनसे है। मंदिरों में ओपन दर्शन होने चाहिए, कोई भी आए सीधा दर्शन करे भगवान के, वहां पे ताला ना लगाया जाए मंदिरों में, क्योंकि वो आपके भगवान नहीं है, वो हमारे भगवान है, मेरे जैसे कितने लोगों के भगवान है, जनता के भगवान है वो, तो आप भगवान के दर्शन रोकने वाले कोई भी नहीं होते। धन्यवाद।